यार के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगु की गई है। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ से इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगु भी की गई है। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है और मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगु भी की गई। आर्मी चीफ से इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगु की गई। मजीद जान लेते हैं, हमारा कैपिटल टीवी जमीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर अली, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज मुलाकात की है इराक के दिफाई उमूर के सेक्रेटरी जनरल ने, और इस हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ से जो पाकिस्तान फौज की जानब से तजुर्बात किए गए हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल किया, जबकि उसके साथ साथ दोनों ममालिक के जो बाहमी तआवुन के तालुकात हैं उस पर भी बातचीत की गई। खासतौर पर जो इराक जंग के बाद सूरत हाल है इराक में, तो उसके हवाले से आर्मी चीफ से उन्होंने बात की। उसके हवाले से उनका ये कहना था कि पाक फौज की जानब से जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो इंतहाई काबिल कदर और काबिल सताइश है, और इस हवाले से इराक की जानब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि अपने मुल्क के हालात को मामूल पर लाने के हवाले से वो इस पे कुछ काम करें। लिहाजा उस वाले से उन्होंने उनका ये कहना था कि वो पाक फौज के जो मामलात हैं उससे इस्तफादा करने की ख्वाहिश रखेंगी। जी बहुत शुक्रिया समीर अली, नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे।